अब जितने क्षेत्र आप निस्तार के लिए इस्तेमाल करते हैं उस निस्तार पे जो है, उस निस्तार के क्षेत्र पे जो है आपको सामुदायिक दावा मिलता है, और हमको पता ही नहीं, हम खुश हो जा रहे हैं 5 एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन, जबकि पूरा अपना जो उस चीज को जान रहे हो, लोग तो ज्यादा दावा कर दिए, कई जगह 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन सरकार दी, सरकार दी नहीं, वो आप ही का है, आपके गांव का, आपके ग्राम सभा का ही है, और आपको उसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, उसके बजाय कि वो 5 एकड़ की जमीन को लेकर हम खुश तो हो गए उनके देने के मुताबिक, लेकिन हम वो उतना बड़ा एरिया जो मतलब पूरे में निस्तार कर रहे थे वो हम कहीं ना कहीं छोड़ दे रहे हैं। हाँ, और सबसे ज़्यादा समस्या तो मेरे को ये लगती है उसमें, जैसे जो भी जनप्रतिनिधि जैसे जमीनी रहते हैं तो वहाँ का जो जनप्रतिनिधि रहता है वो रहता है सरपंच, फिर जनपद, फिर जिला अध्यक्ष, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो जहाँ से निर्वाचित होते हैं या जिस क्षेत्र में भी, तो उनका काम ये बनता है कि हम वहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए सबसे पहले वहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता है उनको हम बताएं या उनके लिए संघर्ष करें, ये सबसे बड़ी कमी है। वो क्या है, ले दे के जो सरकार से जो भी बनाई योजनाएँ आता है उन्हीं पे बस फोकस रहता है मेरे ख्याल से, जबकि वहाँ के हर एक व्यक्ति को हमें बताना पड़ेगा कि आज सरकार हमको अगर 5 एकड़ दे रही है तो हम इतने बड़े एरिया में जो कवरेज करते थे हम एक छोटे से एरिया में जाकर सिमट के रह जाएंगे, और स्वाभाविक है जब पूरी गायें अगर वहाँ रहेंगे तो पूरा तो वहीं से रहेगी, एक ही जगह रहेगी। अभी हमने एक सरकार ने ये करी और एक सरकार ने थोड़ा सा समय दे दी कि वन मित्र ऐप ला दिया तो कहीं आपके यहाँ पर वो समुदायिक दावा भर्ती वाला, मतलब करना उनको है, हटाना है ऐसा नहीं, विस्थापन करना ही है, लेकिन एक वो दे दिया कि हाँ भैया चलो हमने आपको मौका तो दिया था, बस ये है, बाकी हटाना है पिसना दोनों जगह से अपने को ही है, दोनों जगह से, क्योंकि मैंने बताया ना पॉलिसी ही ऐसी बनी है, पॉलिसी ही वो ऐसी बना रहे हैं कि शिक्षा की पॉलिसी ऐसी बनाओ कि ये लोग ज़्यादा पढ़ ना पाएँ ट्राइबल्स में, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाना है, बिजनेस व्यापार की पॉलिसी ऐसी बनाओ कि ये लोग उसमें अब सर्वाइव ना कर पाएँ। जब बिजनेस शुरुआत हुआ था तो इन लोगों ने धड़ाधड़ लोन वगैरह सब शुरू कर दिया था, उस समय क्राइटेरिया इतना वो था, प्रोसेस उनकी इतनी आसान थी कि एक आम व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से व्यापार कर पा रहा था। आज की डेट में आपको ये टैक्स वो टैक्स फलाना टैक्स GST टैक्स जमाने भर के टैक्स लगा देंगे ऊपर, वो सब तो ठीक है पर शुरू से वो नहीं चाहती, वो बहुत सारी योजनाएं आती है, बहुत सारे लोन मिलते हैं आदिवासियों को, आप ये बिजनेस कर सकते हो वो बिजनेस कर सकते हो, अगर सरकार की मंशा सही रहती या वो अपने जो योजना लाए उसको सही तरीके से करते तो आज कितने लखपति करोड़पति निकल गए होते, उसी निकल गए, डेफिनेटली निकल गए होते, नहीं चाह रहे ना वो, बस खाना पूर्ति कर दे, ये अधिकार है वो अधिकार है, सिर्फ कागजों पे है अधिकार, और हमारे लोग जो जिक हैं या समझते हैं वो सिर्फ धरने प्रदर्शन तक ही सीमित है। बिल्कुल, आपको अपने गांव पे वो भी समझना पड़ेगा ना, जैसे अभी वो पत्थलगड़ी के बाद जो है 5वीं अनुसूची जो है लोग समझ रहे हैं, मतलब जान रहे, समझ तो अभी भी नहीं रहे, अब वर्क करेगा, अब यहाँ रूल्स बने ही नहीं, अब हम पैसा के लिए काम करते हैं तो लोगों को ये बताते हैं देखो मेंढा लिखा में कितना अच्छा काम हुआ, अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने वहाँ रूल्स बनाए हुए पैसा के लिए, इसमें भी बना हुआ है पर हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं बना। अब जब हम जो है हवाला दे दें कि पैसा का नियम ये कहता है, पैसा का नियम ये कहता है, क्योंकि पैसा का रूल्स तो हमने बनाया ही नहीं है, वो कैसे रेगुलेट होगा वो तो बने ही नहीं है, तो बात वही आ जा रही है कि वो जो 1996 में जो उसमें संशोधन हुआ था है ना, उसको जो है हमको समझना पड़ेगा, और हमको क्या, हम जो कुछ लोग हैं जो सामाजिक तौर पे जो आगे आए हुए हैं या जो कुछ नेता लोग हैं ऊपरी तौर पे तो समझ रहे हैं, पर ये हमारे समझने से नहीं होने वाला, ये वो गांव वाला समझेगा तब होगा, वही बात है ना, जैसे एकदम व्यवस्था के अनुसार जो है सारा सिस्टम चलना चाहिए, नियम 1993 गांव के लोग ही आपस में लड़ने लगे, जबकि लड़ेगा कौन, अच्छा इनने एक सुविधा भी दी, कितने अच्छे से सुविधा दी 5वीं अनुसूची के तहत कि केवल ट्राइब्स का व्यक्ति ही लड़ेगा, बड़ी अच्छी सुविधा है समझिए, अब ट्राइब्स का व्यक्ति लड़, लेकिन ट्राइब्स का ही व्यक्ति आपस में लड़ेगा, फूट किसके बीच में पड़नी है, हमारे बीच में, दूसरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका फायदा जब हमारे बीच में फूट पड़ेगी तो फायदा जो है तीसरे व्यक्ति को, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, साधारण तरीके से प्लांट किया गया, बहुत साधारण, कुछ बुद्धिजीवी वर्गों ने इसका विरोध किया जिसकी वजह था अपना ये पेशाधीन नियम, जिसकी वजह से था कि पेशाधीन नियम, भाई जब हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मुकदम व्यवस्थाएं थी
जब हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हम ये तय कर लेते थे कि इस ग्राम पंचायत में जो पैसा खर्च होगा भाई, ये मुकदम व्यवस्थाओं के अनुसार मुकदम दीवान दीवार वहाँ पे जो भी हैं कुटियार सब तय करते थे कि भैया ग्राम सभा में बैठती थी, हर एक व्यक्ति का वहाँ पे सहयोग रहा करता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब सेंट्रल की जो योजनाएं थी वो एक्चुअली कमांड नहीं कर पा रहे थे अपने पास। आज की डेट में देखो सेंट्रल यदि कुछ भी कमांड करवाना चाहे, सरकार कोई भी कमांड करवाना चाहे, तो वो एक बार में दंड से लेकर ऊपर से नीचे पूरा सिस्टम लागू हो जाता करवा लेता है वो। क्यों? क्योंकि उनने अपनी वहाँ तक वो कर दी। हम उस चीज़ को मना नहीं कर रहे कि नहीं होना चाहिए, ठीक है होना चाहिए, लेकिन आज भी हम उस चीज़ से निकल सकते हैं भाई, आपस में हम एक रूप से मिल जाएं। अच्छा ऐसा नहीं है कि कोया पुणे में ये रास्ता नहीं, आपके देखिएगा कोया पुणे में आपको लोहार से भी जोड़ता है, आपको चमार से भी जोड़ता है, आपको महार महरा से भी जोड़ता है, कुम्हार से भी जोड़ता है, वो हर सभी वर्ग के लोगों से। पारंपरिक व्यवस्था में तो क्या बोलते हैं, 12 अलग अलग भाई बस भाई बोलते हैं, जिसमें जो है वो बाजा बजाने वाला अलग रहे, नगारची जोड़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं भाई, तो सब लोगों को आपस में जोड़ते हैं। और उस जोड़ने के साथ एक भाई की जैसे रखेंगे भी, जोड़ के रखेंगे ना, तो वो लोग भी विरोध में नहीं आएंगे कि नहीं भैया ठीक है आप लोग आपस में तय कर लो कि भैया किसको सरपंच करना है। अच्छा एक व्यवस्था और भी है कि यदि देखिएगा जो ये इनके जो नियम है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1953 के, कि निर्विरोध चुनाव लड़ सकते हो, कोई एक व्यक्ति फॉर्म भरेगा तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दोबारा चुनाव होगा, उसी व्यक्ति को दे दी जाएगी। तो क्या आपस में गांव के लोग बैठ के तय नहीं कर सकते क्या कि भैया हमारा ही भाई है, एक व्यक्ति बैठ जाए, इस साल आप चुनाव में रहो यार सरपंच यार, अगले बार हम रहेंगे। अच्छा एक कन्फ्यूजन और है इसमें, समझिएगा सरपंच को एक ही मानते हैं, दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं, एक प्रसाद सरकार के अनुसार चलने वाली और एक अपनी पारंपरिक व्यवस्था, मुकदम तो हमेशा रहेगा ना, दोनों अलग अलग हैं। बहुत सिंपल सा है इसको ना, अपन को वाकई में यदि ये मुकदम वाली व्यवस्थाएं लागू हो जाए ना, तो हम वहाँ पे फॉर्म पत्ती भी प्रस्तुत करवा दें। अरे यार भैया एक काम कर यार, आप उस जगह से भरो फॉर्म, दावा पत्ती प्रस्तुत करो, मैं इस तरफ से करता हूँ, सारे गाँव के लोग करेंगे उस जंगल में दावा पत्ती, कैसे जाएगा जंगल कहीं और, बिल्कुल नहीं जा सकता। मैं अपने क्षेत्र में देख, सामाजिक ढांचा रह नहीं गया, हाँ नहीं रह गया, तो एक ही परिवार के लोग जो है आपस में जुड़े हुए नहीं, एक गांव के लोग आपस में जुड़े हुए नहीं, क्योंकि पढ़ लिख के चले गए बाहर नौकरी कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार बाहर हो गया। अब जो पढ़ लिख के चले गए आगे और जो गांव पे रह गए जो खेती किसानी ही कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो है दोनों का वर्ग थोड़ा अलग हो गया, एक निम्न वर्ग हो गया एक मध्यम वर्ग हो गया, तो है सो कॉल्ड स्टैंडर्ड वो मेंटेन करने के चक्कर में अपने ही रिश्तेदारों के साथ उठना बैठना करना जो पसंद नहीं करते, और उनको ये लगता है कि ये लोग समझ नहीं रहे, और उनकी मुख्य धारा जो है वो पता नहीं क्या चीज़ है भाई। और गांव में भी ये हमारे क्षेत्र में तो नहीं रहे, अरे नहीं भैया वही बता रहा हूँ, नहीं रह रहे हैं। क्या हो रहा है कि जो लोग आप बता रहे हैं ना, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख के निकल के बाहर पढ़ दी, वो वापस भी आ रहा है ना, वो सोचता है अरे यार मैं सरपंची का चुनाव लड़ूं क्या, मेरे परिवार का चुनाव लड़े क्या, और वो फिर क्या करता है आपस में फिर लड़ना शुरू। सबसे बड़ी जड़ है यार ये लड़ाई की। अब देखिएगा जिस गाँव में चुनाव यदि निर्विरोध निकलते हैं ना भैया, उस गाँव में लड़ाई नहीं होती, कंट्रोल रहता है सारी चीज़ों का, चाहे वहाँ की वहाँ पुलिस नहीं घुस सकती। आज भी हमारे यहाँ पे पलकी ऐसा गांव है जो पांचवी अनुसूची का बढ़िया व्यवस्था है, हमारे गांव में खुद सरवाही करके हमारे गांव वहाँ पर खुद है कि उन गांव में पुलिस घुसने से पहले कॉल करेगी वहाँ के मुकदमा को सरपंचों ऐसा कि भैया आए कि नया टी के लिए करें, लेकिन एक बार पूछेगी। लेकिन ये चीज़ जो है ना सब जगह लागू नहीं है, अव्यवस्थाएँ। अब यार अकेला कुछ ही क्षेत्र कैसे कर लें सब जगह पर, सब जगह जागरूक होना जरूरी है। जागरूक के साथ साथ कोई बाहर का व्यक्ति जागरूक करना बिल्कुल कतई गलत है। आप और हम जाके यदि किसी गांव में बोलेंगे भैया आपको ये करना है, बिल्कुल गलत है, जब तक उस गांव के लोग नहीं सोचें कि हमको भैया जागरूक होके तो हमको बचाना है। सोचेंगे कहाँ से वो सारी ये सारी चीज़ें अनजाने, पता ही नहीं प्रावधान क्या क्या है, आप बता भी दो नहीं, फालतू बात कर। और वहीं आप किसी गांव में मीटिंग करोगे, ये देखो बाहर का व्यक्ति गांव की जमीन को कब्जा करके घर बना रहे हैं। हम लोग के साथ कई गांव में ऐसे ही हुआ ना, बाहर के लोग कब्जा किए हैं ये, तो गांव तय करेगा कि कौन यहां का है कौन यहां का नहीं है। अब वो जो है गांव की जमीन पे कैसे कोई बाहरी जो है कब्जा कर सकता है, तो गांव वालों को तय करना, उसके लिए वो हमको बोलते हैं कि आप कुछ करो। भाई मैं तो गांव से बाहर का व्यक्ति हो जाता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे साथ दिक्कत यही हो जा रही है कि हमारे जो है ना जितने भी सोशल वर्कर हैं,
वो नेता बनने के तरफ भी अग्रसर है और उनका जो है सामाजिक चीज में इसीलिए आए रहते हैं कि शायद हमारी जान पहचान बढ़ जाए, हमारी पहचान बढ़ जाए, हमारा रुतबा बढ़ जाए। बिल्कुल, अगर हम पॉलिटिक्स छोड़ के अगर गांव में काम करेंगे वन अधिकारों पैसा पे, अगर हम उसी पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जल जंगल जमीन हमारा वन अधिकार से बचेगा और पैसा के थ्रू ही बचेगा। और पारंपरिक ग्राम सभा जो है हमको फिर से बचाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी भाषा तो लगभग खत्म हो गई है, खत्म में तो नहीं है, बाकी जो संस्कृति थी वो भी नहीं रह गई। अभी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था ना, यह कार्यक्रम हो रहा था गवर्नमेंट के थ्रू ही हो रहा था, जिसमें हाँ जो आदिवासी जो लोक नृत्य वगैरह उसका प्रतियोगिता था। अब वहाँ जो है कर्मा वाले जो आजकल जो सॉन्ग बन गए, छोटे छोटे एल्बम जो बनते हैं, अब वहाँ लोग नाच रहे हैं, कोई भी कर्मा नहीं नाच रहे, लेकिन माइक पे अनाउंस हो रहा है ये कर्मा नृत्य है या ये फलाना लोक नृत्य है। अब सब क्या नाच रहे हैं, फिल्मी स्टेप कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं लोक नृत्य क्या है या लोक नृत्य में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, है ना, वो सारी चीज जो है भूल चुके हैं। मतलब अब कर्मा बोल के कुछ भी थोड़ी नाच सकते हो, कर्मा रहेगा कहाँ से जब यहाँ किसी को पता ही नहीं है संस्कृति के बारे में। तो अब ये है कि पैसा में जो है आपकी सारी चीज़ को आपको तो रखना पड़ेगा ना, पारंपरिक जो है आपको ग्राम सभा बनानी है तो आपको पहले पूरे अपने पूरे रीति रिवाज तो पता होने चाहिए। अभी मैं गांव में जाता हूँ या मेरे परिवार में जो हमारे गांव की सीमा है ना, वहाँ कौन कौन से देवी देवता है, कहाँ पे कौन से देवी का स्थान है, जो हमारे पारंपरिक को पता उसमें भी थोड़ा बहुत। अब जैसे मेरी घर पर जो नाना जी आए, तो अब मैं क्या चर्चा करूँ, बुजुर्ग हैं, तो मैं सोचता हूँ कि सामाजिक चर्चा कर लूँ, कुछ सांस्कृतिक चर्चा कर लूँ। मैं मम्मी से पूछा देवी देवता हमारे नार व्यवस्था जो होती है जो गांव की व्यवस्था में कहाँ पे कौन से देवी देवता होते हैं, ठाकुर देव कहाँ होता है ना, बूढ़ा देव फलाना जो भी है, उनको पता ही नहीं कि जंगल में कौन सी देवी देवता रहती है, गुफा में कौन सी देवी देवता रहती है, है ना, सीमा कहाँ तक है गाँव की। तो हमारी जो पहले वाली जो जनरेशन है, मतलब नाना जी मतलब दो जनरेशन पीछे हो गया ना, वो उनको भी जो है कुछ चीज़ें नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ छूट गई और उसको वापस से जो है बचा पाओगे। वही बात है कि हमको हमारे पूर्वज बताएं बचा बताएंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि एक थ्योरी आई थी, देखिएगा रामानंद सागर, मतलब उस समय में देखने में आता था कि लोग बाग जूता उतार के अगरबत्ती लेके टीवी के सामने ऐसे शुरू हो जाते थे, अगरबत्ती लेके रामायण जो चलती थी, रामानंद सागर, इतना गहरा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के बीच में उस टीवी का, भगवानों को मानना भगवानों को नहीं मानना, भाई भगवानों की मूर्ति के रूप में किसने देखा, लेकिन उनने बना दिया। तो वो जो पिछले हमारी तीन चार पीढ़ी जो रही है वो बहुत ज़्यादा ग्रसित हो गई। अपना सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है ना, जब से आरक्षण मिला है वो सरकारी नौकरी मिलने लगी, जब वो शहर में गए, शहर के लोगों के बीच में रहे, तो वो अपनी संस्कृति छोड़ते गए, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी आप अपनी संस्कृति को ज़्यादा बेहतर कर पाओ या बढ़ा पाओ। तो उनको तो ये लगा कि ये सारी चीज़ें जो है सही, कुछ लोगों ने बचा के रख, पर मैं अपने क्षेत्र में बोलूँगा जो भी पढ़े लिखे बाहर हो, ये क्या है, मतलब उनको अपनी संस्कृति पूरी की पूरी फिजूल लगती है, अंधविश्वास लगती है, जबकि आप जो दूसरी संस्कृति बाहर मान रहे हो उसमें भी अंधविश्वास, उसमें ज़्यादा अंधविश्वास है। अंधविश्वास सारी संस्कृति में मिलेगी, हमको समय के साथ उसको सुधार करने की ज़रूरत है। अब पढ़ लिख के जब अपनी ही संस्कृति पे जो है आप गर्व महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप शिक्षित तो फिर कहीं से नहीं हुए। बिल्कुल, जब आपको अपने आप पे शर्म आ रही है पढ़ने लिखने के बाद, क्या मतलब ऐसी शिक्षा का जो आपको जो है सशक्त नहीं बना रहे, जबकि अपने ही बारे में आपके अंदर हीन भावना ला रहे, तो उस शिक्षा का तो कोई मतलब नहीं। वही विषय है। चलिए मनीष जी, आपका शुक्रिया, हमारे सभी दर्शकों का भी, आप सभी हम हैं इंडिया चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये बहुत अच्छा डिस्कशन रहा हम सभी का, और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सेवा 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 जवाब।